ये खाने के लिए होता है, बैठने के लिए नहीं होता। बैठ के खाने के लिए नहीं होता ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:26। 4 बजे मैं उठ गया था, एडिटिंग कंप्लीट करके अपलोड कर दिया मैंने। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा मैं दिल्ली आया हूँ। तो दिक्कत ये है कि मैं आया था एक दिन के लिए, तो कोई कपड़े वगैरह नहीं लेके आए हम तीनों भाई। ये तो भी सो रखे दोनों के दोनों। अभी हमारा प्लान एक्सटेंड हो चुका है क्योंकि एक इवेंट में हमको जाना है, लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं है क्योंकि हम एक दिन के लिए आए थे। अब वापस हल्द्वानी तो जा नहीं सकते, तो आज जाएंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे थोड़ी बहुत। उठो, फिर लेट हो जाएंगे यार। एक्चुअली इवेंट के लिए ना मुझे कल ही मैसेज आया था, अगर पहले आ रहा था ना फिर तो मैं आराम से सारे कपड़े लेके आता। अभी फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ, चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी साहिल और पीयूष भी रेडी हैं एंड यहाँ पे मेरे साथ में है चीकू। चिकू नमस्ते कर दे। मटर खाएगा? मटर, इसको मटर चाहिए। मेरे हाथ में मटर है। ये पता क्या खाता है? आलू मटर। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। आज बर्गर बने और यहाँ पे हमारे फेवरेट दाल चावल भी है। खाएगा बर्गर? चिकू बर्गर खाएगा? अरे हाँ कह रहा है। घूमने जाओगे ओरियो के साथ? घूमने हाँ, घूमने जाओगे? अरे हाँ करता है, देखना। नहीं पसंद नहीं आया? मैं खा लूंगा भाई, ये एडवांटेज है छोटे भाई का। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, अब हम निकलते हैं। लेकिन आज हम फॉर्च्यूनर में जाएंगे, आज हम भैया की गाड़ी में जाएंगे। चलो सही है, आज मुझे गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी। सबसे पहले हम जा रहे हैं सीपी, बिकॉज वहाँ पे ना सारे ब्रांड के शोरूम है। वैसे यूजुअली मैं गाड़ी चलाता था ना तो बोर नहीं होता, लेकिन अब पीछे बैठ के ना बोरिंग सा लग रहा है, गाड़ी चलाने में मजा आता है। तो अभी हम पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। पीयूषी कोई केस वेस लड़ता है? मैगी के लिए केस लड़ूंगा। मैगी के लिए? तो फाइनली सीपी पहुँच चुके हैं। हमको वो व्हाइट वाली बिल्डिंग दिख गई है, उससे पता जाता है की सीपी पहुँच चुके हैं। ठीक है रुक 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 रुक। तो अभी H&M पहुंच गए, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो अंदर आते ही हमको हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। तो गाइस यहाँ पे तो सारी की सारी हुडीज बहुत प्यारी हैं। देखो मेरे को 2-3 पसंद आई हैं, ब्लैक वाली, येलो वाली एंड ये वाली भी। देखो पीयूष तो पता नहीं कहाँ ही डोल रहा है, वो अपनी अलग शॉपिंग कर रहा है। चलो अब इन सबको ट्राई करके देखते हैं। तो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है। मैंने 3 हुडीज लिए हैं, साहिल ने कुछ नहीं लिया, पीयूष ने कुछ नहीं लिया। बाकी सामान हम कहीं और से लेंगे, शायद पालिका बाजार जाएंगे। बाकी पता नहीं साहिल, पीयूष और भैया कहाँ चले गए। मेरे को H&M के अंदर छोड़ के भाग गए वो। H&M में फर्स्ट टाइम गया मैं, काफी यूनिक टाइप के कपड़े थे वहाँ पे, लेकिन महंगे भी थे एट द सेम टाइम। कहीं महंगी जगह पे जाते हैं ना कपड़े लेने के लिए तो पता नहीं डर सा क्यों लगता है। कमेंट करके बताना कि दिल्ली में बढ़िया क्वालिटी के और यूनिक टाइप के सस्ते कपड़े कहाँ मिलते हैं। वो तीनों पता नहीं कहाँ भाग गए हैं, इतनी देर होगी। अरे छोड़ के नहीं जाना चाहिए यार, और अकेले मुझे डर भी लगता है, इसीलिए मैं 2 गाड़ियों के बीच में छुपा हुआ हूँ यहाँ पे। मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। ऑनेस्टली ये डर रहा था, कह रहा है कि सौरव डांटेंगे। मैंने कहा नहीं डांटूंगा नहीं, लेकिन डांटूंगा नहीं, लेकिन जिद नहीं करनी चाहिए ना। जिद नहीं करी, अगर आपने दिलाया वो बात अलग है। जिद नहीं करी पक्का। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं सीपी के पार्क में। मेरा फर्स्ट मीटअप था इस पार्क में और सिर्फ एक बंदा आया था मुझसे मिलने, मुझे याद है जब मेरा आर्ट चैनल था। सिर्फ एक बंदा फर्स्ट मीटअप में, और अब रख लूँ तो भाई, अगर अब रख लूँ ना अब तो पूरा पार्क भर जाएगा। अब नहीं रख सकता मैं, अब बोल नहीं सकता कि मैं यहाँ पे आया हूँ। बोल भी दिया ना तभी इतने सारे लोग आ जाएंगे। और फर्स्ट टाइम में सिर्फ एक बंदा आया था, उसका नाम था, मेरा फर्स्ट मीटअप था इस पार्क में और सिर्फ एक बंदा मिलने आया था मुझसे। एक बंदा मिलने, उसका नाम है वरुण सूर्या। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तब कितने सब्सक्राइबर्स थे? 1 लाख 2 लाख थे। 1 लाख 2 लाख थे। आज कितने सब्सक्राइबर्स हैं? आज तो 11 मिलियन। और मैंने पता है उस टाइम वीडियो भी नहीं बनाई शर्म के मारे, एक ही बंदा मिलने आया मुझसे। ये मैंने आज तक कहीं रिवील भी नहीं किया, ये आज फर्स्ट टाइम मैं रिवील कर रहा हूँ। ये तो पीयूष को भी नहीं पता था। देख लो गाइस, पहले मीटअप में सिर्फ एक बंदा आया था और अब चलते फिरते ऐसे ही बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। उस दिन साहिल भी था मेरे साथ में। साहिल लाइक हो गया, साहिल पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को बुलाया था, ये वाली लोकेशन थी फ्लैग के पास। मैंने बोला था सब्सक्राइबर्स को आने के लिए, तो एक ही बंदा आया था। यहाँ पे रखा था मैंने मीटअप। ये साहिल के दोस्त हैं। रेटिंग नहीं भाई, वो तो एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। एक्सपीरियंस जितनी प्रैक्टिस की है, नहीं ऐसा नहीं होता। मान लो आप 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये 2 साल से कर रहे हो, तो फर्क तो होगा ना। तो करो करो करो। तो मीटअप हमारा चल ही रहा है यहाँ पे। साहिल तू भी करके दिखा यार, पीयूष को भी आता है। ओहो मजा आ रहा है यार। चलो चलो। हाय कैसे हो? आप भी वीडियो बनाते हो? हाय हाय कैसे हो? ओह ये कैसा लग रहा है जब पहली बार एक बंदा आया था और अब इतने सारे बंदे बिना बुलाए आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हाय, ये देखो। हाय, कैसे हो? मैं तो भी ऐसे सडनली आया, मैंने देखा। तो अभी गाइस हमारा मीटअप हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। वैसे अभी हम आए हैं पालिका में, तो अभी फाइनली पीयूष के लिए भी शॉप मिली है। ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। तो फाइनली पीयूष के कपड़े भी फाइनल हो चुके हैं और ये वाली तो बहुत तगड़ी लग रही है। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं, अब जाके हम पालिका से बाहर निकले हैं। काफ़ी टाइम लग गया, सबसे ज़्यादा टाइम लगा पीयूष की शॉपिंग में। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी में सारा सामान रखते हैं और फिर कुछ खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब सबसे मुश्किल टास्क है गाड़ी ढूंढना। अच्छा हाँ, H&M के बाहर लगाई थी। सामान डालते गाड़ी में। ओहो, साहिल ने भी नए कपड़े डाल लिए, पीयूष भी डाल रहे हैं। मैंने नहीं लिया ऐसे कपड़े, मैंने सिंपल सोबर प्लेन हुडीज लिए बस। तो अभी हम आए द जंकी आर्ट कैफे में खाने के लिए, देखते हैं कैसा है। तो ये हमने मंगाया है वाटरमेलन जूस और चिली पोटैटो। फीलिंग सैड फॉर साहिल बिकॉज इसका ये गिर गया, तो साहिल तो मेरा पी सकता है। और हमने एक पिज्जा भी मंगाया है, कॉपीराइट पड़ेगा भाई। तो अपनी मेन चीज आ चुकी है जो कि है चावल, तो ये खाते हैं मस्त। तो भी खाना पीना खा के आ चुके हैं, अब जाते हैं घर पे। नए नए कपड़े दोनों के। खाना खाने के बाद इसको बर्गर खाना था, इसलिए हम मैकडोनल्ड्स आए हैं। मैंने तो सिर्फ आइसक्रीम लिया, ये खाने के लिए होता है, बैठने के लिए नहीं होता। बैठ के खाने के लिए नहीं होता ना। तो गाड़ी मिल गई है, अब चलते हैं। साहिल चला रहा है लेकिन डर मुझे बहुत लग रहा है। तो हमारी गाड़ी को खड़े हुए 6 घंटे 40 मिनट हो गए। साहिल बारी बारी गाड़ी बंद कर रहा है बिकॉज इसको भी ऑटोमेटिक की आदत हो गई है। ये देखो कितने सारे लोग आए मिलने, पहले तो ये दिखाओ। भैया घर के बाहर, ये मेरे घर के बाहर आए हैं। मैं सबको एक्चुअली कल सब आपको व्लॉग में पता लग ही जाता, लेकिन जब फर्स्ट मीटअप हुआ था ना सौरभ का, तो सिर्फ एक जना आया था। सौरभ ने ऐसा सोचा था कि 15, जब मैंने बुलाने के बाद भी लोग ऐसा सौरभ ने सोचा 15-20 लोग आएंगे, लेकिन एक ही जना आया। लेकिन वो इतना स्वीट था कि वो रोटी और सब्जी लेकर आया था सौरभ के लिए। और भैया हम केक लेके आए सौरभ के लिए। और तो अभी हम फाइनली भैया के घर पे पहुंच गए हैं। हाँ। और देखो घर के बाहर काफी सारे सब्सक्राइबर हमसे मिलने आए एंड केक भी लेके आए 11 मिलियन के लिए। सो थैंक यू सो मच सभी को। तो मतलब लिटरली काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब वही मेरे को फर्स्ट मीटअप वाली मतलब माइंड में वही आ रहा था। संवाददाता सौरभ जोशी के साथ कैमरामैन राहुल भाटिया। तो ये केक 11 मिलियन का जो कि भाई लोग लेके आए हैं, कैमरामैन राहुल भाटिया के साथ। आओ सारे हाथ लगा लो। अरे लाइटिंग येरी ये रो इसलिए रहा है क्योंकि इसने बताया सबको। बाय बाय। हो गया चलो ठीक है, आ जाओ। बाय बाय बाय। तो भी गाइज ऊपर आ गए हम और सभी से मिल लिया। देखा आपने कितने सारे सब्सक्राइबर्स आ गए थे, मतलब 1 घंटे से मैं बाहर ही खड़ा था, फिर भी मतलब सबके हाथ में फोटो नहीं खिंचवा पाया, लेकिन मुझे ऊपर आना पड़ा। तो अभी सभी के सभी बाहर से बैल बजा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता चली जाता है मैं कहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। तो बाहर लिटरली बहुत ही ज्यादा भीड़ हो चुकी है। तो पीयूष को आज मस्त गिफ्ट मिला है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अब देखने में तो खतरनाक लग रहा है। और ये सारा सामान जो कि हमने शॉपिंग किया है, तो ये H&M वाली मेरी है, बाकी सारी साहिल एंड पीयूष की है। साहिल एंड पीयूष की सबसे ज्यादा ही है, मेरे तो सिर्फ 2-3 हुडी है इसमें। तो आज के इस व्लॉग में आपने देखा हम गए थे CP और पूरे 7 घंटे वहीं थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, मस्ती की, सब्सक्राइबर से मिला, और मैंने आपको स्टोरी बताई मेरी, जो कि मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। तो ये तो मैंने लिटरली लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा मतलब शाय टाइप का बंदा था, बहुत ज्यादा लोगों से कम मिलने वाला, लोगों से कम बात करने वाला। वीडियोस का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो बस फिलहाल मैं एडिटिंग करूंगा और इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आज थोड़ी बहुत शॉपिंग की, थोड़ी बहुत कल कर लेंगे, और फिर परसों हमको निकलना है बॉम्बे के लिए। किस काम से जा रहे हैं वो आपको चल जाएगा पता। बहुत इंटरेस्टिंग लोग आने वाले हैं। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो सर, जल्दी आओ आओ। कौन-कौन आया अभी? कौन-कौन आया? हेलो। खाओ खाओ, माने फोटो खींच। कर रहा हूँ।